हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन तोमर और आप देख रहे हैं बी स्मार्ट। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पे आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं बी स्मार्ट। आज एक कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो जिसे आप वर्ड आर्ट या वर्डल आर्ट या फिर वर्डल पिक्स जो हैं वो आप बना सकते हैं इजीली अपने क्रिएटिविटी दिखाकर। और ये बहुत स्मार्ट लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है देखने में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ये प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए वर्ड क्लाउड ऐप। अब आप इस पर जाइए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो रहा है। जल्दी हो जाएगा। इसमें आप वर्ड आर्ट, वर्ड डिजाइन, ये सब चीजें बना सकते हैं। आप इसमें नीचे की तरफ देखिए, ये आप इस टाइप का कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। डाउनलोड होके हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम ओपन करते हैं। इसमें आप आर्ट और डिजाइन दोनों चीजें बना सकते हैं। वर्डल है, ये वर्डल ऐप है एक तरीके से। आप इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसको वर्ड्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अपने चैनल का नाम डालता हूँ यहाँ पर। डाल दिया यहाँ पर और यहाँ पर राइट के बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ दिखाने लगा है। और यहाँ पर एक और मैं डाल देता हूँ स्मार्ट कर करके। ये मैंने यहाँ पर ये दो ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर ये बन के आ चुका है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अच्छा लग रहा है मुझे तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ये कलर्स चेंज हो गए। यहाँ पर ये साइज आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट्स हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स दे रखे हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शेप्स हैं, यहाँ पर हार्ट का शेप है, स्टार है, यहाँ पर मून है, स्माइली फेसेस हैं, ट्री है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे शेप्स हैं। मैं स्क्वायर सिलेक्ट करता हूँ। तो आप इस हिसाब से अपना यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये ऊपर जो थ्री डॉट्स बने वहाँ पर क्लिक करना है और आपको ये सेव क्लाउड पे सेव कर देना है। और ये आपकी पिक्चर सेव हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरे ऐप के बारे में। इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फोकस एंड फिल्टर। फोकस एंड फिल्टर बहुत बेस्ट ऐप है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा लगा। इसका बहुत इजी है, इसको चलाना बहुत इजी है। इसमें एड्स बहुत कम आते हैं और ऐप्स के मुकाबले। चलिए इसे शुरू करते हैं। आप स्टार्ट के बटन पे से क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे गैलरी टेक्स्ट और गैलरी यहाँ पर दो दिए हैं। आपको जिसमें भी कस्टमाइज़ करना हो आप कर सकते हैं। पिक्चर को लेके आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट को लेके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको टेक्स्ट पे कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है, आप इंग्लिश पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी चैनल का नाम यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ।
और यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर फॉन्ट चुन सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और ऊपर ये राइट के बटन पे इसको क्लिक कर दीजिए तो ये आपका फॉन्ट भी सिलेक्ट हो चुका है। अब आप अगर इसमें डिज़ाइन वाले कलर्स डालना चाहते हैं, टेक्सचर, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये सिलेक्ट किया। बीजी बैकग्राउंड आपको क्या चाहिए, क्या देना चाहते हैं आप, ये है, ये है, ये है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें बैकग्राउंड्स हैं आपके लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। ग्रेडियंट में भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे ग्रेडियंट अभी नहीं करना है। आप यहाँ पर उसका साइज और वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर्स भी आप यहाँ पर सिंपल रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। सिंबल्स हैं यहाँ पर, सिंबल्स यहाँ पर नीचे की तरफ और हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं सिंबल्स। आप अगर जो भी देना चाहें वो आप यहाँ अपने मन से दे सकते हैं, जैसे कि अच्छे वाला। ये पंख अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने और इससे मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप यहाँ पर बहुत कुछ लगा सकते हैं, जो भी आपका सिंबल्स आपको जो अच्छे लगे यहाँ पर, इस टाइप के कुछ भी यहाँ पर सिंबल्स जो आपको ज़्यादा अच्छे लगे आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसको लगा सकते हैं। और अब जब आपका ये फाइनल हो जाए तो ऊपर की तरफ ये राइट बटन है, आप उसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको दिखाएगा जिस टाइप से आपको चाहिए उसमें ये आपको प्रोवाइड करवाएगा। ऊपर ये थ्री डॉट्स हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए, शेयर कर सकते हैं आप लिंक, यहाँ पर सेव कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ, सेविंग हो रहा है, ये सेविंग हो चुका है। माय क्रिएशन पे आपको क्लिक करना है और आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप के हैं यहाँ पर। तो आपने देखा होगा ये मैंने अभी उससे पहले कुछ बनाए थे। तो फ्रेंड्स ये यहीं पे था और मैं अब आपको बताता हूँ तीसरे ऐप के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके से है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। ये बहुत अच्छा ऐप है, मगर इसमें दो तीन खामियां ये हैं कि ये इसमें एड्स बहुत ज़्यादा ही आते हैं, जिससे आपका मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो टॉप स्केच मिलता है, टोपोग्राफी मिलता है, और नेम आर्ट है, और टेक्सोग्राफी है। ये आपको चार ऑप्शन मिलते हैं इसमें। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी खींच सकते हैं और यहाँ पर गैलरी से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गैलरी से एक फ़ोटो लेता हूँ। ये मैंने अभी बनाई थी सिंपल सा आर्ट, तो इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। एक और ऐड आ गया, तो इसने ये अपने हिसाब से कस्टमाइज करके दे दिया है मुझे। आप इसमें और वर्ड्स डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा कलर्ड इसका डार्क कर सकते हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं आप, अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसमें फॉन्ट्स हैं,
आप यहाँ पर वर्ड्स भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना अगर आप बढ़ाना चाहें तो। यहाँ पर फॉन्ट्स हैं, ओवरलैप है, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर सेव की बटन जो दी है वहाँ पर आप जाकर इसको सेव कर सकते हैं, तो ये सेव हो चुका है। आप यहाँ इसको शेयर भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्काइप पे, ट्विटर पे, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वो होम की तरफ। नेम आर्ट में आपको यहाँ पर कुछ भी नाम डालना है जो भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी डालना चाहता हूँ बी स्मार्ट। और इसे नेक्स्ट पे कर देना है, तो देखिए ये बन के आ गया बी स्मार्ट। तो आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे एड्स आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आइए इसे अब देखते हैं कहाँ पर ये कौन सी गैलरी में आया है, कहाँ पर ये सेव हुए हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, और ये कितने अच्छे लगते हैं देखने में, कितना अच्छे लग रहे हैं। ये भी हमने बनाए थे इससे पहले जो क्रिएट किए थे, ये है एक, ये है कुछ, ये है, ये है, ये है, ये मैंने अभी एक फ़ोटो अपनी थी वो क्रिएट की थी इस तरीके से। ये वर्डल है जो अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले। ये हमने बनाया था अभी कुछ देर पहले। तो ये देखने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्ट्स बनाना चाहते हैं, वर्ड आर्ट्स, तो आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।